एवरीवन, दिस इज योर फेवरेट गरिमा मैम। जैसे कि आप जानते हैं कि अब जो है माहौल बहुत ज़्यादा नींद प्रिपरेशन की तरफ जा चुका है, मस्ती का टाइम निकल चुका है एंड अगस्त का महीना भी ख़त्म हो चुका है। अब सितंबर का महीना है, जो बच्चे दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं उन्हें दो बार रिवीजन करने का समय मिलता है, कम से कम 100 मॉक टेस्ट लगाने का समय मिलता है। वही बच्चे एक सेफ स्कोर तक पहुँच पाते हैं। ये वो बच्चे होते हैं जिन्हें नहीं फ़र्क पड़ता रैंक इन्फ्लेशन से, जिन्हें नहीं फ़र्क पड़ता बच्चों कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि इनका सेफ स्कोर ही इतना अच्छा होता है कि इन्हें दुनिया में चाहे कुछ भी हो रहा हो इनका सिलेक्शन पक्का है। तो बच्चों देखो, ऐसी दुर्घटनाएं होती रहेंगी और ये सब चीजें चलती रहेंगी, बट अगर आपने ठान लिया है कि नहीं मुझे तो डॉक्टर ही बनना है, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करके जाना अपना नाम और ये आप क्यों करना चाहते थे। बहुत चीजों में आपने अपना समय वेस्ट किया होगा बच्चों, ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो आपका जो कीमती समय है वो ले रही है। बट बच्चों मेरी एक बात याद रखना, जिसने इस समय का इस्तेमाल कर लिया वही आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि रिग्रेट हम कर बस एक रिग्रेट ही है जो हम करते रह जाएंगे, समय का पहिया अपना चलता रहेगा। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ बच्चों, बी सीरियस नाउ। अभी भी अगर मेरे लेक्चर्स आप नहीं ले रहे यूट्यूब पे, फ्री लेक्चर्स नहीं कर रहे, फ्री DPPs प्रैक्टिस, तो नहीं कर पाएंगे आप अपने सिलेक्शन को इंश्योर। आई नो यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, बट अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कसम खाओ कि ज़रूर फॉलो करोगे, क्योंकि आपके सिलेक्शन में ही मेरी भी जीत है बच्चों। तो जीत लो हर लम्हा, बीत जाने से पहले लौट कर याद आती हैं यादें, बट वक्त नहीं आता। तो वक्त वापस नहीं आएगा बच्चों, ये वक्त वो वक्त है जो तुम्हारे ड्रीम मेडिकल कॉलेज के लिए है। तो इसलिए हर एक लम्हे को बहुत अच्छे से यूज़ करना है, प्रोडक्टिवली यूज़ करना है। 10 से 12 घंटे पढ़ने की एवरेज निकालनी है। वही बच्चे सिलेक्शन लेते हैं जो शुरुआत से लेकर अंतिम तक कंसिस्टेंट रहते हैं। इंटेंसिटी डज नॉट मैटर, इट इज़ अ कंसिस्टेंसी विच मैटर्स। जितना अपने आप को तपाओगे उतने ही सुनहरे कॉलेज में एडमिशन तुम लेके जाओगे। ये जितने भी चीज़ों में वक्त बर्बाद कर रहे हो अब उसको करना छोड़ दो, क्योंकि यही समय है सिलेक्शन का। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट है। मैं नहीं चाहती कि तुम उस रिग्रेट में जाओ। मैं तुम्हें बता रही हूँ, 5 साल से मैं YouTube पे पढ़ा रही हूँ, जो बच्चे कंसिस्टेंटली पढ़ते हैं ना YouTube के लेक्चर से भी, वो भी सिलेक्शन लेके जाते हैं, क्योंकि हर बच्चे के बस की नहीं होता इन लेक्चर्स को लगाना, क्योंकि इसके लिए चाहिए समय, डेडिकेशन, सिंसेरिटी एंड डिसिप्लिन। बट जहां जो बच्चे वो लगा लेते हैं उनका कोई सिलेक्शन रोक नहीं पाता। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको पूरा प्लान बताती हूँ। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है बच्चों, जहाँ पे फ्री DPP सब कुछ आपको मिल जाएगी। गरिमा गोयल बायोलॉजी सर्च कर लेना, वेरीफाइड है, 2 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं। यहाँ पे आपको लेक्चर्स के नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे, इसे ज़रूर ज्वाइन कर लेना। अब देखो, 5 ऐसी चीज़ें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर स्टार्टिंग विद बोर्ड्स प्रिपरेशन या विद नीट प्रिपरेशन। सबसे पहले हर बच्चा जो भी प्रिपरेशन करता है उसके पास एक चीज़ होनी चाहिए, अपना एक टाइम टेबल, क्योंकि टाइम वेस्ट करने की आपके पास कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि 28 लाख बच्चे हैं जो इस एग्जाम के लिए फाइट कर रहे हैं, जिसमें से बहुत सारे ड्रॉपर्स भी हैं, बहुत सारे 11, 12th के भी हैं। यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज, ठीक है बच्चों। बुक्स, ऐसी कौन कौन सी बुक्स है जो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए प्रैक्टिस के लिए। कोचिंग ज्वाइन करें या ना करें, अगर नहीं करें तो कैसे आप कर सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं यूट्यूब लेक्चर से। टेस्ट सीरीज़ कौन सी चाहिए, ये ज़रूर चाहिए टेस्ट सीरीज़। उसका रीज़न ये है बच्चों, क्योंकि अगर हम टेस्ट सीरीज़ नहीं करते तो हमें पता ही नहीं लगता कि हम कहाँ पे हैं, हमें लगता है कि हम ही राजा है, बट ऐसा नहीं होता। बहुत सारे बच्चे जो आपसे भी आगे चल रहे हैं वो आपको बताती है टेस्ट सीरीज़। एंड वॉट इज़ अ प्लान ऑफ एक्शन। तो 5 चीज़ें जो आज हम डिस्कस करेंगे 1 by 1। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं यहाँ पे डिस्कस द प्लान। सबसे पहले क्या, स्टडी ऑल द बेसिक्स ऑफ क्लास 11 फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर, यानी कि अगले 2 महीने जो आपके सितंबर से अक्टूबर तक है उसमें आपको क्लास 11 के बेसिक्स अच्छे से रिवाइज करने चाहिए, ठीक है। फिर स्टार्ट कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑफ क्लास 12 एज इट हैज़ हाई वेटेज फ्रॉम अक्टूबर टू डिसम्बर। तो इसके साथ आपकी बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन हो जाती है। तो सितंबर अक्टूबर जो अगले 2 महीने क्लास 11 के बेसिक्स को कीजिए, अक्टूबर टू दिसंबर क्लास 12 को कीजिए, क्योंकि क्लास 12 चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो की, इसकी हाई वेटेज है। देन कंप्लीट क्लास 11 फ्रॉम जैन टू मार्च फर्स्ट वीक। मार्च के फर्स्ट वीक तक आपने क्या करनी है, 11th को रिवाइज करना है, ठीक है बच्चों।
फिर आते हैं रिवाइज मॉक टेस्ट मार्च सेकेंड वीक से टिल मे। तो आप देख सकते हैं इस पूरे एक्शन प्लान में जो मैंने पूरे साल का बनाया है, इसके अंदर कितना ज़्यादा समय मैंने दिया आपके मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि 80 से 100 मॉक टेस्ट आपको लगाने ही लगाने हैं। जो बच्चे इतने मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं, अक्सर वो एग्ज़ाम में, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, OMR की बबलिंग में मिस्टेक कर देते हैं, क्वेश्चन आता हुआ नहीं हो पाता, कौन सा फॉर्मूला फिजिक्स में लगेगा वो भूल जाते हो, ये तो मैंने पढ़ा था बट यहाँ क्यों नहीं हो रहा, ये सारी प्रॉब्लम सिर्फ उन्हीं बच्चों को आती है जो उस टाइम पे मॉक टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करके नहीं जाते। तो जितने भी मॉक टेस्ट लगाओ, चाहे किसी भी कोचिंग के लगाओ, किसी भी बुक के लगाओ, बस कहते हैं ना तू आ जा मॉक टेस्ट, तू आ जा मैं कर दूंगा तुझे, ये वाला एटीट्यूड अगर आपने डेवलप कर लिया तो आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, प्लान फॉर क्लास 12th स्टूडेंट्स। अब अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं तो आपके कई सवाल होंगे, मैम कोचिंग भी है, मैम क्लासेस भी है, क्लास 12th का सिलेबस भी है, बोर्ड्स भी है, कैसे करें? तो ध्यान से सुनिए, अपने आप 11th तक, सितंबर तक क्लास 11th रिवाइज कीजिए, ठीक है, फिर स्टार्ट कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑफ क्लास 11th फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। उसके बाद क्लास 12th में फोकस कीजिए क्योंकि आपके बोर्ड्स भी है, तो जनवरी के बाद आप क्लास 12th पे जा, पूरा फोकस आपका क्लास 12th पे होना चाहिए, ना कि क्लास 11th पे। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे आपके बोर्ड्स भी कंप्लीट हो जाएंगे और अगर आप बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं तो बेसिकली आप उसी के लिए पढ़ रहे हैं, नीट के लिए। फिर रिविजन एंड मॉक टेस्ट आप कर सकते हैं 2nd मार्च से, ठीक है, 2nd वीक ऑफ मार्च। तो ये था क्लास 12th वालों के लिए, ये था ड्रॉपर। ठीक है, अब आते हैं कैसे बनाए टाइम टेबल। तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, सो दिस इज अ परफेक्ट टाइम टेबल विच यू कैन डू इफ यू हैव कोचिंग इन इवनिंग टाइम। तो अगर आपकी कोचिंग इवनिंग टाइम है तो देखिए उसका स्केड्यूल क्या है, सुबह 6 बजे उठिए, 6 से 8 फ्रेशन अप हुए, ब्रेकफास्ट कीजिए, 1 आवर की एक्सरसाइज कीजिए जो मैंडेटरी है क्योंकि इससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। सेकेंडली 8 से 1 बजे तक फर्स्ट स्टडी सेशन होना चाहिए, यूज पोमोडोरो टेक्निक, यानी कि 50 मिनट पढ़िए 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, 50 मिनट पढ़िए 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, 3-4 घंटे लगातार पढ़ेंगे तो दिमाग ठस हो जाएगा आपका। लंच ब्रेक लीजिए जिसके अंदर फोन मत चलाइए बल्कि अपने आप को रिलैक्स कीजिए, फोन जितना दूर रखोगे उतनी आईज भी स्ट्रेन कम होगा और आपका फोकस भी बड़ा रहेगा। ठीक है, सेकेंड सेशन ब्रेक है आपका, ये रहा, कवर एनी बैकलॉग इफ यू हैव, नॉट दिस सेशन फ्रॉम 2 to 4 इज फॉर बैकलॉग, अगर कोई क्लास मिस हो गई या कोई टॉपिक समझ नहीं आया उस टाइम पे तो अभी कंप्लीट कर लीजिए। नाउ गेट रेडी फॉर कोचिंग, कोचिंग टाइम, डाउट्स, डिनर, रेस्ट, क्लास नोट्स को उसी दिन रिवाइज करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है 11 बजे तक, एंड स्लीप पीसफुली टिल 6 o'clock। तो अच्छा खासा टाइम टेबल है, अगर आप इसको थोड़ा भी फॉलो कर रहे हैं 70-80% तो देखना आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। बट सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है वो है कंसिस्टेंसी का, जहाँ कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई वहाँ पे मामला खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए, इफ़ यू हैव कोचिंग इन मॉर्निंग टाइम, अब आप कहेंगे मैम मॉर्निंग टाइम है तो क्या आपका स्टडी प्लान बनेगा? तो अगर आपका मॉर्निंग टाइम है तो आप क्या कर सकते हैं, सुबह देखिए 5 बजे उठ सकते हैं, 5 to 6 फ्रेशन अप हुई है, कोचिंग टाइम, लंच ब्रेक, नाउ स्टडी वट एवर इज टॉट इन द कोचिंग क्लासेस, ये करना बहुत ज़रूरी होता है उस दिन, रिवाइज एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, स्टडी सेशन 1, डिनर, टुडेज क्लास रिविजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, स्लीप पीसफुली। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अकॉर्डिंग टू योर टाइम टेबल। ठीक है, अब आते हैं बुक्स, कौन कौन सी ऐसी बुक्स हैं जिसके बिना मैं कहूँगी सिलेक्शन बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये बुक्स करनी बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहले आपकी NCERT तो है ही, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, NCERT एक ऐसी बुक है जिसको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, अगर आपने इस बुक को छोड़ा तो हो गया काम खत्म। ठीक है, लर्न फ्रॉम अ सिंगल बुक मेनी टाइम्स। ठीक है, नाउ प्रैक्टिस एक्टिव रिकॉलिंग थ्रू फ्लैश कार्ड्स, माइंड मैप, ट्रिक्स, शॉर्ट नोट्स। एक्टिव रिकॉलिंग क्या होता है, जैसे कि एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, जो आपके ऑर्गेनिक के रिएक्शन से नेम रिएक्शन, उन्हें बार बार रिवाइज करना। अदर देन NCERT आप अपने कोचिंग के मॉड्यूल्स यूज कर सकते हैं, जैसे हमारे कोचिंग के अड्डा के भी हैं, आप जिस भी कोचिंग के वहाँ के यूज़ कीजिए, उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्लास नोट्स को रिवाइज कीजिए, और टेस्ट सीरीज बेस्ट कोचिंग की लेनी है इस टाइम पे आप अड्डा की भी ले सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं कोचिंग पे, कोचिंग करे ना करे क्या है। अब देखो ऑनलाइन कोचिंग के कुछ फायदे हैं, इफ़ यू आर सेल्फ डिसिप्लिन, मैं वही कह रही हूँ ना, सबके बस की बात नहीं होता, अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन है, आप एक ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोचिंग्स नहीं हैं, ठीक है, तो आप ऑनलाइन कोचिंग को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, बट बैकलॉग मत क्रिएट करना कि बाद में क्लास कर लूँगा। ऑफलाइन में क्या है, इफ़ यू हैव एनी गुड एक्सपीरियंस कोचिंग सेंटर, रिकॉग्नाइज अच्छे टीचर है तो उनका बैच ज्वाइन करें, एवरेज टीचर्स का बैच ज्वाइन ना करें। ठीक है, इफ़ यू आर ज्वाइनिंग कोटा, ये कोटा होगा, ठीक है, कोटा, इट्स बेटर टू स्टडी फ्रॉम ऑनलाइन कोचिंग, ये मुझे नहीं कहना चाहिए था। ठीक है, चलो आज जाओ नेक्स्ट, टेस्ट सीरीज़, टेस्ट सीरीज़ का बेटा कितना एडवांटेज है ना, ये मैं कितना ही आपको बता दूँ वो कम है।
इट इज़ लाइक अ बैटल प्रिपरेशन। जैसे हमारे सोल्जर्स भी हर दिन ड्रिलिंग करते हैं, ड्रिल्स करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं, कितनी सारी चीज़ें करते हैं, क्यों, वॉर सिचुएशन के लिए। ऐसे ही आपको भी जितनी टेस्ट सीरीज कहीं की भी दे सकते हो दे दो। इसमें ये मत सोचो कि नहीं मैं उसी की दूंगा, नहीं, तुम सोचो मैं सबकी दूंगा। जितने क्वेश्चंस लगाओगे, पता नहीं किस कोचिंग की टेस्ट सीरीज उस साल हिट हो जाए, यू नेवर नो। किस कोचिंग की टेस्ट सीरीज से सारे क्वेश्चन आ जाए, यू नेवर नो, आपको नहीं पता। तो इसे जितना प्रैक्टिस कर सकते हो करो, भरपूर प्रैक्टिस करो, मत छोड़ो किसी भी टेस्ट सीरीज को। अब देखिए यहाँ पे, सो ज्वाइन अ टेस्ट सीरीज विच इज रिकॉग्नाइज, बस गलत नहीं होने चाहिए क्वेश्चंस और रिपीटेड नहीं होने चाहिए। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी होगी, सारे क्वेश्चंस हर टॉपिक वाइज कवर भी होंगे, और चैप्टर वाइज एनालिसिस, टेस्ट वाइज एनालिसिस भी जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे हमारी भी एक टेस्ट सीरीज है, जैसे कि आपको पता ही है बच्चों, हमारी टेस्ट सीरीज वन ऑफ द मोस्ट टॉप सेलिंग टेस्ट सीरीज है। इसका देखिए पूरा प्रॉपर आपको ऐसे प्लानर मिल जाता है जो आप घर पे लगा सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग भी आप अपना पूरा टाइम टेबल बना सकते हैं, सारे लेक्चर्स आप अटेंड कर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है। जो पिछले साल टेस्ट थे वो हमने ऑनलाइन मोड पे दे दिए, इस साल के जो नए टेस्ट बनाए वो ऑफलाइन मोड में दे दिए, यानी जो आपके घर जाएगा। इस डब्बे में आपको पूरे सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, आपको इम्प्रूवमेंट डायरी भी मिलेगी, आपको यहाँ पे पूरे OMR शीट्स भी मिलेगी जिसे आप प्रैक्टिस कर सके, सारे क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ये सारी चीज़ें आप अवेल कर सकते हैं GNT55 कोड लगा के, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, कॉमेंट सेक्शन में पिन भी करा दिया है। तो बेटा टेस्ट सीरीज में कह रही हूँ ना, हर कोचिंग की ले लो, मैं तो कह रही हूँ जो अच्छी कोचिंग है उन सब की ले लो। ये मत सोचो कि इसके क्वेश्चन लगाने या नहीं लगाने, जितने लगाओगे उतने अच्छे हैं, तुम्हारा भला ही होगा, इसमें नुकसान नहीं होगा। अपने लिए नहीं कह रही हूँ, बाकी मत लो यार, ले लोगे तो तुम्हारा भला हो जाएगा, नहीं लोगे तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा, है ना बच्चों। तो इसलिए एक पते की बात बता रही हूँ, रियलिस्टिक चीज़ बता रही हूँ, जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगा रहे हो उतना ही अपना भला कर रहे हो और उतना ही सिलेक्शन के पास जा रहे हो। जितना इन सब चीज़ों को छोड़ोगे उतने ही दूर जाओगे। तो इसलिए ले लो, अभी भी टाइम है, डिस्काउंट है 40% का, 1800 रुपीज की है। एंड मैं बता रही हूँ अपने नाम के आगे व्हाई यू वांट टू डू नीट, बार बार याद दिलाते रहो, जब जब पढ़ने का मन ना करे बार बार ये सोचते रहो क्यों मुझे डॉक्टर बनना है, देखना उसी टाइम खड़े होकर पढ़ना शुरू कर दोगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताना कि आखिर आप क्यों डॉक्टर बनना चाहते हैं, और अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख दो, क्योंकि इसी कमेंट को आप 5 मई के बाद आके लाइक करोगे। क्यों? क्योंकि शायद आपके डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो रहा होगा। ठीक है बच्चों, अगर और भी कोई हेल्प चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना, मैं उस पर भी ज़रूर वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगी। दिस इज़ योर फेवरेट गर्मा मैम, एंड मेरी जो रेगुलर सीरीज चल रही है उसे ज़रूर अटेंड करें जो 1:30 बजे चलती है।